खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ भारत सरकार एक्शन मोड में है। देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए सरकारी जांच एजेंसी लगातार कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि एनआईए ने 6 राज्यों में करीब 51 जगहों पर छापेमारी की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज और मैं हूँ साक्षी शर्मा आपके साथ। दरअसल एनआईए ने ये छापेमारी खालिस्तानी और माफियों के गठजोड़ को लेकर की। पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड और यूपी में छापे मारे गए हैं। आतंकियों, ड्रग्स डीलर्स और गैंगस्टर्स के बीच सांठगांठ को खत्म करने के लिए एनआईए के जरिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि सीमा पार से मिल रही मदद के बल पर पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में गैंगस्टर्स अपना इकबाल बुलंद कर रहे हैं। वो ताबड़तोड़ की जा रही कार्रवाई के कारण छिपकर बैठे हैं और इसका पुख्ता इनपुट सरकारी एजेंसियों के पास है। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर्स के संबंध सीमा पार के आतंकियों संग होने के सबूत भी मिले हैं। इन गैंगस्टर्स की मदद से ही कई तरह के ड्रग्स सीमा पार करके भारत तक पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि यह कार्रवाई लॉरेंस बम्बिया और अर्श डल्ला गैंग के सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के फिरोजपुर से खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के करीबी जोरा सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उसके मोबाइल से अर्श डल्ला के साथ चैटिंग के सबूत भी मिले हैं। वहीं राजस्थान के जैसलमेर से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा और भारत के संबंध तनावपूर्ण हो चुके हैं। इसी बीच एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक पंजाब में करीब 30 और हरियाणा में 4 जगहों पर रेड की सूचना है। जांच एजेंसी की कार्रवाई ऐसे वक्त में सामने आई है जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच विवाद चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले 23 सितंबर को एनआईए ने खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू के पंजाब और चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था। बता दें, पन्नू प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का मुखिया है। वह कनाडा और दूसरे देशों से लगातार भारत विरोधी बातें करता रहता है। हाल ही में कनाडा भारत विवाद में उसने कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को भी धमकी दी। वहीं आपको बता दें कि एनआईए की जांच और छापेमारी लगातार जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।